हेलो क्लास सेकेंड स्टूडेंट्स योर हाफ ईयरली एग्जाम सिलेबस इज कम्प्लीटेड एंड नाउ फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिवीजन आपका हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस कम्प्लीट हो चुका है और आज से आपका हाफ़ ईयरली एग्जाम के लिए रिवीजन स्टार्ट होने जा रहा है एंड इन दिस रिवीजन आई विल गिव यू सम क्वेश्चन आंसर्स यू ऑल हैव टू राइट दिस क्वेश्चन आंसर्स इन योर वर्कशीट कॉपी एंड ऑल्सो लर्न दिस क्वेश्चन आपको ये सारे क्वेश्चन अपनी वर्कशीट वाली कॉपी में नोट डाउन करने हैं और इन्हें लर्न भी करना है ओके नाउ लेट स्टार्ट द रिविजन दिस क्वेश्चन आर फ्रॉम योर चैप्टर नंबर वन हैप्पी फिट ये क्वेश्चन आपकी बुक के चैप्टर नंबर वन से लिए गए हैंपी फिट से नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज टाइम सीज फादर रीडिंग टाइम सी के फादर क्या रीड कर रहे थे क्या पढ़ रहे थे नाउ द आंसर इज टाइम्स इज फादर इज रीडिंग न्यूज पेपर टाइम सी के फादर न्यूज पेपर पढ़ रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू वॉट इज द पैंगवीन ईटिंग पैंगवीन क्या खा रहा है नाउ द आंसर इज द पैंगवीन इज ईटिंग सैंड पैंगवीन सैंड खा रहा है या रेत खा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री वॉट डेट पीपल नेम द देंग्विन लोगों ने उस पैंगविन का क्या नाम रखा था पीपल नेम्ड द हैप्पी फिट लोगों ने उस पैंगविन का जो पैंगवीन लॉस्ट हो गया था खो गया था उसका नेम हैप्पी फिट रखा था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर टिक राइट द क्वालिटीज विच टाइम सी शो इन द स्टोरी आपने जो हैप्पी फ्यूचर वाली स्टोरी रीज करी थी तो उस स्टोरी के अंदर टाइम सी की कौन कौन सी क्वालिटीज हमने देखी थी हेल्पफुल काइंड क्रूअल सेल्फिश लव एनिमल्स एंड रूट तो हमने उस स्टोरी के अंदर टाइम सी की जो क्वालिटीज़ देखी थी वो थी हेल्पफुल Yani, सबकी हेल्प करती थी दया थी उसके मन में उदारता थी और वह एनिमल्स को लव करती थी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू डबल मडल नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके चैप्टर नंबर टू डबल मडल से है जिसमें हमने आइडेंटिकल ट्विंस मीन्स वसु और प्रभु जो दो आइडेंटिकल ट्विंस थे उनके बारे में रीच किया था कि किस तरह से उनकी मदर और फादर उनमें कंफ्यूज हो जाते थे नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मैनी डोसास अम्मा मैक अम्मा ने कितने डोसास बनाए थे आंसर इज अम्मा मैच टेन डोसास अम्मा ने टेन डोसास बनाए थे नेक्स्ट हु वॉज फॉल्ट ऑफ कॉमिक्स किसी कॉमिक्स बहुत ज़्यादा पसंद थी वसु को या प्रभु को द आंसर इज वसु वॉज फॉर ऑफ कॉमिक्स यानी वसु को कॉमिक्स बहुत पसंद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन वॉट डीट वसु थैंक अम्मा फॉर वसु ने अम्मा को थैंक यू किस लिए कहा था वसु थैंक अम्मा फॉर टेन डैलीशियस क्रिस्पी डोसा हमने स्टोरी में रीड किया था कि अम्मा ने गलती से प्रभु की जगह वसु को टेन डोसास खिला दिए थे और वसु ने उन्हीं टेन क्रिस्पी डोसास के लिए अम्मा को थैंक्स बोला था नेक्स्ट क्वेश्चन आर फ्रॉम चैप्टर नंबर थ्री अशोक नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर थ्री अशोक काइट से लिए गए हैं जिस चैप्टर में इस स्टोरी में हमने अशोक और उसके फादर के बारे में पढ़ा था जिसमें अशोक फेस्टिवल मकर संक्रांति सेलिब्रेट करने के लिए एक काइट बनाता है और वो अपने फादर के साथ में मार्केट जाकर काइट बनाने का सामान लेकर आता है और वे काइट बनाते हैं ओके नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन नाउ द क्वेश्चन नंबर एट इज हु ड्रॉ एंड पेंट किसे ड्रॉ करना और पेंट करना पसंद था आंसर इज अशोक लव्ड टू ड्रॉ एंड पेंट अशोक को ड्रॉ करना और पेंट करना बहुत पसंद था नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट हैज़ अशोक पेंटेड ऑन द काइट अशोक ने जब अपनी पूरी काइट बना ली थी तब उसने उस काइट के ऊपर क्या बनाया था अशोक हैज़ पेंटेड एंड ऑरेंज सन ऑन द काइट अशोक ने अपनी काइट के ऊपर एक ऑरेंज कलर का सन बनाया था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन टिक राइट द क्वालिटीज यू थिंक अशोक हैज अशोक के अंदर कौन सी क्वालिटीज थी उनको हमें टिक करना है आर्टिस्टिक रेस्पेक्टफुल रूट केयरफुल सेल्फिश एंड हैज़ अ न्यू आइडिया तो अशोक के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी थी आर्टिस्टिक मीन्स कुछ करने का उसमें कुछ बनाने की इच्छा थी देन रेस्पेक्टफुल मीन्स दूसरों की रेस्पेक्ट करता था केयरफुल हमेशा अपनी चीज़ों का ध्यान रखता था केयर करता था और हैज़ न्यू आइडिया यानी उसके माइंड में हमेशा कुछ न कुछ न्यू आइडियाज चलते रहते थे ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आर फ्रॉम द पॉम द स्क्वास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वे आपके पॉम से लिए गए हैं और पोम का नेम था द स्क्रल्स जिसमें हमने स्क्वास के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से स्क्वास मीन गिलहरी उछलती कूदती पेड़ के ऊपर जाती है नीचे आती है किस तरह से वह अपने दोनों पंजों में अपना खाना पकड़कर उसे खाती है ओके नाउ द क्वेश्चन आर वेयर ड स्क्वा कहाँ जाती है द स्क्वास टू द ट्री टॉप पेड़ स्क्वा सबसे ऊपर जाती है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वेयर इज द स्क्रल क्लाइंबिंग स्क्वाल कहाँ पर चढ़ती है द इज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री जो स्क्वा है वह पेड़ के ऊपर चढ़ रही है नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ

पकड़ती है ओके नाउ द रेस्ट ऑफ क्वेश्चन ऑफ रिविजन आई विल गिव यू इन अवर नेक्स्ट क्लास